एनुअल एन्यूटी रहते हैं जिसमें आप मंथली पहले महीने में 10,000 दूसरे में 12 ऐसे इंक्रीज करते रहते हो, डेट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एन्यूटी। तो हम उसमें डिटेल में अभी नहीं जाने की जरूरत है, पीएमटी का मतलब इक्वल एन्यूटी है। फिर हम देखेंगे एफवी, एफवी का मतलब है जो आप यहाँ पे सिंपल फ्यूचर वैल्यू था ना उसमें से एस निकाल दो तो एफवी आपको मिलेगा फ्यूचर वैल्यू। फिर भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद पी बाय वाई, अब ये पी बाय वाई का मतलब क्या होता है, पी बाय वाई का मतलब है पेमेंट इन अ ईयर। इसका अर्थ ये होता है कि एक साल में कितने पेमेंट जा रहे हैं, एक साल में कितने पेमेंट जा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा कभी कभी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंथली भी इंटरवल हो सकता है, डेली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी पीरियड हो सकता है। तो एक साल में अगर क्वार्टरली पीरियड है तो एक साल में कितने पेमेंट जाएंगे, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो साल में कितने पेमेंट जाएंगे, 4। अगर वही मंथली है तो कितने पेमेंट जाएंगे, 12। तो तभी आपको पी बाई वाई का यूज करना। अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आप देखेंगे कैलकुलेटर पे, दैट इज सी बाय वाई। सी बाय वाई स्टैंड्स फॉर कंपाउंडिंग इन अ ईयर। अब कंपाउंडिंग इन अ ईयर का मतलब क्या होता है, कंपाउंडिंग इन अ ईयर का मतलब जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया, यहां पे 9.5% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, मतलब साल में एक ही बार होगा। अगर सेमी एन्युअल होता है तो साल में कितनी बार होता है, 2 बार। क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है तो 4 बार, मंथली होता है तो 12 बार। अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू आएगा 1, 2, 3, 4 जो भी आएगा। समझ में आया? सो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेट अस सॉल्व नाउ, लेट अस गो टू सीएमपीडी नाउ एंड। ये एग्जाम्पल में एंड क्या आएगा, 5 साल है, 9.5% कंपाउंडेड एन्युअली, मतलब साल में एक ही बार हो रहा है, मतलब पीरियड भी इसके रहेंगे सिर्फ 5। इंटरेस्ट दिया हुआ है 9.5। पीवी, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितना, मतलब ए ने आज कितना इन्वेस्ट किया, 18 लाख इन्वेस्ट किया, मतलब ए की जेब से गया, तो हम क्या करेंगे, माइनस 18 लाख। फिर आता है पीएमटी, आपको इन बिटवीन कुछ भी पेमेंट या रिसिप्ट कुछ मिल रहा है या कुछ देना है क्या, इक्वल अमाउंट का कुछ लिखा है क्वेश्चन में, नहीं ना, इसका मतलब इसको हम रखेंगे 0। एफपी पे आ जाते हैं, बिफोर एफपी पे अभी हमको एफपी सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर ए, बराबर है, तो कितना अमाउंट टोटल पे किया मिस्टर ए ने, वो एफपी जो भी फ्यूचर वैल्यू रहेगा वो टोटल अमाउंट ए ने बी को पे किया। बट वहां पे जाने से पहले हमें एक चेक करना है कि पी बाय वाई, यहाँ पे साल में कितना पेमेंट हो रहा है, साल में एक ही बार पैसा दिया, इट्स अ बुलेट पेमेंट, और कंपाउंडिंग साल में एक ही बार हो रहा है इसलिए हम वहाँ पे सिर्फ एक लिखेंगे, कंपाउंडिंग भी एक, पेमेंट इन ईयर वो भी एक। हम एफपी पे जाके क्या क्लिक करेंगे, सॉल्व, जैसा कि मैंने पहले बताया था विद इन द फंक्शन कुछ सॉल्व करना है तो हमें क्लिक करना होगा। क्या अमाउंट दिख रहा है, 28,33,629 ये आगे आंसर, ठीक है। अभी ये सीएमपीडी आपको हेल्प नहीं करता है कि इंटरेस्ट फाइंड करने में, आपको क्या है टोटल फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेगा, वो आपने फाइंड कर लिया, बराबर है। अब उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 18 लाख, उसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट पे। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें, ओके। तो ये था यूज सीएमपीडी का। अब सीएमपीडी का यूज यहां तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, ये तो बहुत ही बेसिक था। 75% ऑफ द टाइम हम हमारे करियर में सीएमपीडी फंक्शन का ही यूज करने वाले हैं। अब इसका और डिटेल फंक्शन हम समझेंगे अलोंग विथ कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे वैसे वैसे मैं उनको सीएमपीडी में कैसे यूज करता हूं वो आपको बताते जाऊंगा, तब जाके हम कैलकुलेटर और कॉन्सेप्ट दोनों साथ में सीख पाएंगे, ठीक है। तो अब आपको सीएमपीडी समझ में आ गया, ओके ग्रेट।
अभी हम एक न्यू कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके साथ हम सी एन वी आर फंक्शन का यूज समझेंगे. कौन सा? सी एन वी आर. नाउ वी विल लर्न अबाउट द यूज ऑफ की सी एन वी आर. सी एन वी आर. नाउ दिस सी एन वी आर स्टैंड्स फॉर कन्वर्जन. सो वॉट टू कन्वर्ट? वी ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट कंपाउंडिंग रेट. ओके, अब आपको पता है 12% पर एनम कंपाउंडिंग, 10% पर एनम कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो वेरी करता है, ये भी हमें पता है. कुछ इंटरेस्ट रेट ऐसे रहते हैं जो एनुअली कंपाउंडिंग रहते हैं, कुछ क्वार्टरली रहते हैं, कुछ मंथली रहते हैं. जब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमको अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले रेट को कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? So we have to bring both the different frequency onto a common ground of a same frequency. Usually we bring all the multi-period compounding to a single period compounding, that is annual. Annual compounding is considered to be a standard rate which we, on the basis of which we compare. Now you know that this 10% compound per annum, 10% per annum compounded annually is not equal to 10% per annum compounded semi-annually. Agree or not? Q, I'll show you. Let us take one example. You have invested rupees 100. Okay? आपने rupees 100 invest किया है. अब, after 1 year, if we apply this rate, how much value it will be? It would be 100 plus 100 into 10% is equals to 110. तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर 10% per annum compounded annually में लेता हूँ तो 110 at the end of the year answer आता है. अब ये situation में क्या होगा? ये situation दो हिस्सों में divide हो जाएगी. ये initial 6 months, ये उसके बाद के 6 months. ठीक है? अब पहले 6 months में क्या होगा? I will take interest as 100 into 10% divided by 2. I am talking about interest right now. Is equals to kya aega? 5. And what is the principal? 100. So ye total ho jayega aapka 105. Ab ye 105 ke upar, since it is compounding, principal plus ye jo interest aaya hai wo, ye 105 ke upar aapko milega. 105 plus 105 into 10% divided by 2. यहां से आपको जो आंसर आएगा, it will be 110.25. क्योंकि 105 into 10% divided by 2, that is nothing but 5% of 105 is nothing but 5.25. Hence, you will get answer as 110.25. यहां पे कितना आया? 110. यहां पे आया 110.25. R both these numbers same? The answer is no. Why? Because the frequency of compounding, if gets increased, then definitely the answer would get increased. इसीलिए हमें ये समझने का है कि ये 10% ये 10% दोनों सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि because of this. This is nothing but frequency of compounding. Frequency of compounding. So is this. ठीक है? Now, अभी मान लो मैं आपके सामने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता हूं. ये शायद नोट कर लिया सबने, रिमूव इट, इरेज इट. Now it is very obvious के 10% per annum compounded annually और 10% per annum compounded semi-annually में से better investment option कौन सा है? 10% compounded semi-annually. Let us consider दो interest दिए, 12% per annum compounded annually and 11.5% per annum compounded quarterly. अब ये दो में से आपको एक investment option अगर choose करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये लाख रुपया करना है, 10 लाख करना है, कुछ नहीं. आपको सिर्फ दोनों रेट को कंपेयर करना है. पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है. हम एज्यूम कर सकते हैं कि
वी हैव इन्वेस्टेड रुपीज 100 जैसा लास्ट केस में किया, यहाँ पे हो जाएगा 112, यहाँ पे कितना होएगा, यहाँ पे आपको स्टेप वन फर्स्ट क्वार्टर, स्टेप टू सेकेंड क्वार्टर, क्वार्टर वन में क्या होएगा, फिर क्वार्टर टू में क्या होएगा, क्वार्टर थ्री में क्या होएगा और क्वार्टर फोर में क्या होएगा, फिर आपको आंसर मिलेगा जो आपको चाहिए। बट इतना लंबा प्रोसेस करने से बेटर है हम हमारे कैलकुलेटर का यूज करें, और इसीलिए आपको आज मैं समझाने जा रहा हूं यूज ऑफ CNVR। ये जो की है आपके सामने, ये जो की है, ये की CNVR, उस पर क्लिक कीजिए। नाउ व्हाट इफ यू क्लिक ऑन CNVR, व्हाट यू कैन सी, कन्वर्जन लिखा है, कन्वर्जन ओके। अभी वहां पे आपको दिखेगा N, वहां पे आपको दिखेगा क्या लिखा हुआ है CNVR फंक्शन के अंदर, सबसे पहले लिखा हुआ है N। अब N stands for, N stands for frequency of compounding, I stands for rate of interest, जो भी पर एनम मेंशन किया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली जो भी रहेगा। बट तो CNVR में जो आई है, आई स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। नाउ यू कैन सी EFF। अभी ये जो EFF स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एनुअल रेट, EFF स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एनुअल रेट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल पीरियड कंपाउंडिंग रेट है जिसको आपको एनुअलाइज करने का है, आपको मल्टी पीरियड कंपाउंडिंग रेट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअल। सेमी एनुअल ये मतलब मल्टी पीरियड हो गया, एक साल में एक से ज्यादा बार होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टी पीरियड कंपाउंडिंग रेट। अभी हमको इसका इक्विवेलेंट, हमको इसका इक्विवेलेंट एनुअल रेट अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एन फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, दो बार, एन दो डालेंगे, आई आई 10% है तो 10% डालेंगे, और ईएफएफ पे जाके सॉल्व क्लिक करेंगे। एक बार हम करके देखते हैं क्या आंसर आता है, एन दो आई 10, ईएफएफ पे जाके मैंने सॉल्व क्लिक किया 10.25, जो सब हमने इसके पहले किया था। सो 10.25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज इक्वल टू 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, समझ में आ गया। तो ईएफएफ का मतलब है इफेक्टिव एनुअल रेट, मल्टी पीरियड कंपाउंडिंग को सिंगल पीरियड या तो एनुअल रेट, एनुअलाइज रेट पे लेके आना है, उसके लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। अभी उसके नीचे अगर आप देखोगे, उसके नीचे अगर आप देखोगे एपीआर, एपीआर, नाउ दिस एपीआर इज नथिंग बट एनुअलाइज पीरियोडिक रेट। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि मल्टी पीरियड कंपाउंडिंग रेट अगर दिया हुआ है और हमको सिंगल पीरियड या तो एनुअलाइज रेट निकालना है तो हम EFF का यूज करते हैं। सिमिलर वे अगर आपको एनुअलाइज रेट दिया या तो एनुअल रेट दिया है उसको हमको मल्टीपल पीरियड में कन्वर्ट करने का है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, आपको इसका इक्विवेलेंट रेट फाइंड करने का है पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कैसे करेंगे, हमको पता है यहाँ पे एनुअल एक ही है बट यहाँ पे कितनी बार कंपाउंड करने का, फ्रीक्वेंसी 4, तो हम क्या लिखेंगे, एन इक्वल्स टू 4, आपके कैलकुलेटर में ट्राई कीजिए, एन इक्वल्स टू 4, आई आई कितना दिया हुआ है 12, विल पुट 12। अभी हम ईएफएफ में कोई टच नहीं करेंगे, ईएफएफ में कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे एपीआर में, यहाँ पे 12 लिख देते हैं और करेंगे सॉल्व, तो हमको मिलेगा 11.494 11.49% पर एनम
is compounded quarterly is equivalent to 12% per annum compounded annually. इसका मतलब ये रहता है कि अगर मैं 100 रुपया आज इन्वेस्ट करता हूँ 12% रेट पे तो मुझे एक साल के बाद 112 मिलेगा. वही 100 रुपया अगर मैं कंपाउंडेड क्वार्टरली रेट पे इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे सिर्फ 11.49% रेट पे ही करना है. सो दिस इज व्हाट कन्वर्जन स्टैंड्स फॉर. ऐसे कन्वर्जन फंक्शन की का यूज होता है. अभी ये कन्वर्जन का यूज हम एक सम सॉल्व करने के साथ करेंगे. यहां तक सबको समझ में आ गया? 1, 2, 3, 4. ये कन्वर्जन की का बस यही यूज है और कुछ नहीं है. आई जस्ट इरेज इट. Now let us understand one question. ये question number one. Okay? अभी आपको मैं एक rate देता हूं 10% बहुत हो गया, अभी कुछ और लेते हैं 14% per annum compounded quarterly. 14% per annum compounded quarterly. इसका इक्विवेलेंट पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली फाइंड करो. इसका इक्विवेलेंट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फाइंड करो. सॉरी, कंपाउंडेड सेमी एन्युअल फाइंड करो. पर एनम कंपाउंडेड मंथली फाइंड करो और पर एनम कंपाउंडेड डेली फाइंड करो. ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू फिल द ब्लैंक्स. अभी कैसे हम स्टार्ट करेंगे, पहले अंडरस्टैंड करते हैं. दिस इज 14% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. अभी ये मल्टी पीरियड है, बराबर है? ये क्या है, मल्टी पीरियड रेट ऑलरेडी दिया हुआ है. अब मल्टी पीरियड से सिंगल पीरियड मतलब एन्युलाइज आने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ईएफएफ. तो हम क्या करेंगे, सीएनवीआर में जाएंगे. कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब एन विल बी 4, आई 14. I क्या हो जाएगा आपका 14. EFF में मैं जाऊंगा, सॉल्व करूंगा 14.75. तो मेरा फर्स्ट का आंसर आ गया 14.75% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली इज इक्विवेलेंट टू 14% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. नाउ दूसरा देखते हैं, कंपाउंडेड सेमी एन्युअली. अब ये देखिए, ये मल्टी है, ये भी मल्टी है. अब CNVR में कोई डायरेक्टली मल्टी टू मल्टी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हमें पहले मल्टी टू सिंगल जाना है. मल्टी पीरियड कंपाउंडिंग को पहले सिंगल पीरियड पे लेके जाना है, फिर वही सिंगल पीरियड से हमको वापस मल्टी पीरियड पे लेके जाना है. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 14% को ऑलरेडी हमने सिंगल पीरियड पे लेके आया है, दैट इज पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली. तो अभी हम जब यूज करेंगे ये सॉल्यूशन के लिए, हमको इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज करना है. क्यों? जैसा कि मैंने समझाया, ये मल्टी पीरियड कंपाउंडिंग है, ये भी मल्टी पीरियड कंपाउंडिंग है. हम मल्टी पीरियड टू मल्टी पीरियड डायरेक्टली आंसर नहीं आ सकता है विद द हेल्प ऑफ सीएनवीआर फंक्शन, बट मल्टी टू सिंगल जाके फिर सिंगल टू मल्टी हम जा सकते हैं. कैसे जाएंगे, अगेन गो टू सीएनवीआर. अब आपको दिख रहा है पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, यहाँ पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअल हमें ढूंढना है. तो सेमी एन्युअल मतलब N2 हो गया, I ये जो है वही है. ठीक है, अब EFF पे नहीं जाएंगे. EFF कब होता है, मल्टी पीरियड टू सिंगल, बट सिंगल टू मल्टी जाना है तो हम कहां पे जाएंगे, APR पे. सॉल्व कर दिया 14.245, आंसर इज 14.245%. ठीक है, नाउ सेम वे अभी क्या है, कंपाउंडेड मंथली. अगेन ये सिंगल टू मल्टी जाएंगे हम, CNVR में जाएंगे. मंथली मतलब 12 बार, 12 टाइम्स, N क्या हो जाएगा 12, I will be 14.75. We'll directly go to APR, solve 13.84. अभी अगेन डेली, ये भी मल्टीपल है, ये सिंगल है, ये मल्टी है. हम फिर से जाएंगे CNVR में. अब डेली मतलब 360 या तो 365, यू कैन टेक एनीथिंग. 14.75 EFF में नहीं जाऊंगा, APR में जाऊंगा 13.76%. समझ में आ गया?
आप ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीएनबीआर. नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. सो ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंट रेट पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. ठीक है, अभी एक है ना फॉर्मूला डिराइव हुआ है. नाउ ये जो फिफ्थ है डैश पर एनम डैश परसेंटेज पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. अब आपको एक चीज समझनी है कि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग जो अगर हम फाइंड करने जाएंगे तो फॉर्मूला के थ्रू उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो आपको लेटर स्टेज में बताया जाएगा, वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ रहेगा. बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग यू कैन कंसिडर दिस वे दैट इट इज अ पर सेकेंड कंपाउंडिंग. एवरी सेकेंड कंपाउंडिंग इज हैपनिंग. ठीक है, जैसे हमने सेमी एनुअल हो गया, मंथली हो गया, डेली हो गया, वैसे ही कंटिन्यूअस मतलब एवरी सेकेंड आपका कंपाउंडिंग हो रहा है. अभी हमको यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने का, एक लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है, अगर कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल आपके माइंड में क्लियर है तो आपको ये पता रहेगा कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों के ऊपर कंपाउंडिंग होता है. हावेवर जो एनुअलाइज इंटरेस्ट है अगर मैं उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो एकदम मिनिस्क्यूअल परसेंटेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंक्रीमेंट होना चाहिए एक्चुअल प्रिंसिपल में वो कंसिडरेबल इंक्रीमेंट नहीं होता है. इसीलिए आफ्टर फ्यू ट्रायल एंड एरर मेथड यू वुड कम टू नो दैट वेदर यू डू कंटिन्यूस कंपाउंडिंग और डेली कंपाउंडिंग द आंसर वुड बी सेम. कैसे, लेट अस प्रूव. सीएनवीआर में जाइए. नाउ इन सीएनवीआर एंड डेली कंपाउंडिंग में हमने देखा 13.76 आया, राइट. अब इंस्टेड ऑफ 365 जस्ट राइट 1 लाख. ठीक है, लेट्स राइट 1 CR. इन फैक्ट नॉट इवन 1 लाख, हम लिखते हैं 1 CR. अभी राइट कर रहे हैं 14.75. ठीक है, नाउ गो टू APR एंड सॉल्व, यू विल गेट द सेम आंसर 13.758, दैट इज नथिंग बट 13.76. सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कंटिन्यूस और डेली में फर्क आता है, लेकिन इट दिस डिफरेंस हैपेंस एट द थर्ड एंड फोर्थ डेसिमल आफ्टर द पॉइंट. देयर इज अ थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ डेसिमल, देयर चेंज कीप्स ऑन हैपनिंग बिकॉज वो जो चेंज रहता है बहुत ही माइनर रहता है. अंडरस्टूड? हेंस व्हेनेवर यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द कंटिन्यूस कंपाउंडिंग यू जस्ट हैव टू डू वन सिंपल थिंग. गो टू सीएनवीआर, पुट एन इक्वल्स टू मोर देन 365 एनी नंबर, okay, and put your I equals to the compounded annual rate and go to APR, you will get the answer. Understood? Very clear?